गुजरात के मशहूर शहर अहमदाबाद। हेलो फ्रेंड्स, आज आप सबको लेके चलते हैं हम अहमदाबाद। एक ऐसा शहर है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जन्म स्थान होने से लेकर देश के कुछ सबसे विशिष्ट संग्रहालयों की भूमि है। गुजरात टूरिज्म की ओर से एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे आपको इस तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी। आप अपनी यात्रा कैसे शुरू करें, हम अपनी यात्रा की करते हैं शुरुआत अहमदाबाद गुजरात से। यह है अडालत की वॉब। कुआं कम और अलीशान महल ज्यादा दिखाई देती है अडालज की यह वॉब। गुजरात की करंट राजधानी गांधीनगर से सिर्फ 8 किलोमीटर है दूरी और अहमदाबाद से 18 किलोमीटर है इसकी दूरी। नमस्ते, मैं चिंतन रावत आपका स्वागत करता हूँ अडालज स्टेप को वेल में। जहाँ पे अभी हम खड़े हैं वो है अडालज की वॉब, अडालज की बावड़ी, जो बनाई गई थी 1555 विक्रम संवत में, 1498 एडी था। बिल्कुल पाँच सल्ला कुल पाँच मंजिला बावड़ी बनाई गई है। तो मोहम्मद जगरा ने क्या किया था, यहाँ पे आक्रमण कर दिया था और युद्ध हुआ था वीर सिंह वाघेला और मोहम्मद जगरा के बीच में। युद्ध में जो वीर सिंह वाघेला थे वह शहीद हुए थे और जब यहाँ के राजा का देहांत हुआ तो मोहम्मद जगरा ने क्या किया, जो दंडारी एरिया था यानी कि आज का जो एरिया था अडलज एरिया, वहाँ पे शासन जमा दिया और जो रानी थी उनसे शादी का प्रस्ताव भी रख दिया रूढ़ाबाई से। परंतु जब यहाँ पे युद्ध हुआ था तब ये बावड़ी अधूरी थी। रानी ने ऐसा कहा कि ये बावड़ी लोक कल्याण के लिए यानी कि जन कल्याण के लिए बनने वाली थी, जब ये अधूरी थी तो आप ही बावड़ी पूरी करिए तो मैं शादी करूँगी। उसके बाद मोहम्मद बेगड़ो राजी हो गया था, एग्री हो गया था और उसने बावड़ी का आधा काम आगे जमाया था। आपको इसलिए बावड़ी में कुछ कुछ जगह पे इंडो इस्लामिक कम्युनिटी भी देखने के लिए मिला। इसका कमरा यहाँ पे जो झरोखा है ना उसके ऊपर की तरफ मीनार के कार्विंग बनाई गई। पर जब भी बावड़ी बन गई थी तो रानी थी नहीं दूसरे वाले कोई में ही शरण लगा दी थी। बाबड़ी बाबड़ी जहाँ हम लोग आए हैं और ये पीने का जल का है, इसके पीछे एक और है, वहाँ पे जाना मना है अभी फिलहाल। स्ट्रक्चर नया जैसा लगेगा, इसे यहाँ पे दो कुएं हैं, वो जहाँ वो है हाँ वो इसे ऊपर दूसरा कुआं है। आज हम आए हैं साबरमती आश्रम जहां पे गांधी जी ने लंबा समय गुजारा था। अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम कभी हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के साथ साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का घर हुआ करता था। इसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि नमक सत्याग्रह मार्च की शुरुआत यहीं से हुई थी। अब आश्रम में गांधी स्मारक संग्रहालय है। साबरमती नदी पर स्थित साबरमती आश्रम को गांधी आश्रम, महात्मा गांधी आश्रम के रूप से भी जाना जाता है। इस म्यूजियम में महात्मा गांधी के हाथ का चरखा और उनके द्वारा प्रयोग किए गए लेखन के लिए टेबल का बहुत अच्छे से रखा गया है। ये कपास, कपास से इस तरह चरखे से ये होता है, सूत काटा जाता है। सूत काटने के बाद इसी मशीन के द्वारा वस्त्र बनाए जाते थे। एक कुटीर के दो नाम, विनोबा कुटीर, ये इमारतें उन लोगों के नाम पर हैं जो गांधी जी के बहुत करीब थे। ये कार प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमें, ये मतलब क्या करते हैं, इसने बनाते कार प्रोजेक्ट के अंदर भी सकते हैं। ब्यूटीफुल, ये बॉटल्स को काट के बनाए गए, बहुत सुंदर डिजाइन है, पेंटिंग की गई है। गांधी आश्रम से आप खादी के वस्त्रों की खरीदारी भी कर सकते हैं। ये हमने शॉपिंग की है गांधी आश्रम में, हमने पूरा देखा और वहां से हमने ये बैग परचेज किया खादी का और साथ में खादी के कुछ कपड़े भी हमने परचेज किए। अडालज की वॉब से 2 किलोमीटर की दूरी में है त्रि मंदिर, एक भव्य 2 मंजिला इमारत मंदिर। त्रि मंदिर में एक म्यूजियम और मिनी थिएटर भी है जिसमें हमें ज्ञानी पुरुष परम पूज दादा श्री के ज्ञान जीवन की झलक देखने को मिलती है। हमें ज्ञानी पुरुष परम पूज दादा श्री के ज्ञान जीवन की झलक देखने को मिली।
जिसमें उन्होंने चित्रों के द्वारा अपनी कथा का वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। त्रिमंदिर एक अनूठी धार्मिक अवधारणा के सामने लाता है, जहां सभी धार्मिक देवताओं की मूर्तियों को एक समान मंच पे रखा गया है। दादा भगवान मंदिर अदालत त्रिमंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दांडी कुटीर जो नमक के टीले की याद दिलाता है, इस प्रकार यह गांधी जी के उस शक्तिशाली विचार का प्रतिनिधित्व करता है। दांडी कुटीर भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय है, जो महात्मा गांधी के जीवन शिक्षाओं को दर्शाता है। इसे विशेष रूप से राष्ट्रपिता की जीवनी की चित्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अटल ब्रिज पतंग की थीम पर बनाए गए ये थीम वाले पुल की डिजाइन शहर में होने वाले पतंग उत्सव से प्रेरित है। आप पुल के चारों इनके रंगों को देख सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया टिकट, जिसमें फ्लावर पार्क के 10 रुपीज और 10 रुपीज ब्रिज के हैं। यह ब्रिज देखने में काफी सुंदर दिखाई देता है। इस ब्रिज को बनाने में काफी अच्छे डिजाइनिंग का प्रयोग किया गया है। LED बल्ब की मदद से इस ब्रिज में काफी शानदार लाइटिंग का प्रदर्शन किया गया है। क्रूज की 1.5 घंटे की शानदार यात्रा पर निकलता है, जो मेहमान तो सरदार ब्रिज से गांधी ब्रिज तक वापस ले जाता है। अटल ब्रिज को फ्लावर गार्डन से भी जोड़ा गया, जो साबरमती रिवर फ्रंट के पश्चिम में बना। यहाँ पर कैफेटेरिया और बैठने की अच्छी व्यवस्था है, आप स्नैक्स और फूड का एंजॉय भी कर सकते हैं। ठंडी हवाओं का मजा। अब हम जा रहे हैं भद्रकाली माता का मंदिर, जो भद्रकाली चौक पर है। भद्रकाली नगर देवी होने के कारण यहाँ की रक्षक देवी भी हैं। मंदिर का मुख्य आकर्षण माँ काली की प्रतिदिन बदलने वाली सवारियाँ, जैसे शेर, हाथी, नंदी, कमल की सवारियाँ हैं। नगर का व्यापारी वर्ग माँ के चरणों में कमल पुष्प अर्पित कर अपने नए कार्य की शुरुआत करते हैं। अल्फा वन मॉल सुंदर वस्त्रपुर झील के ठीक बगल में स्थित अहमदाबाद वन मॉल, जिसे अल्फा वन मॉल के नाम से भी जाना जाता है, शहर के सबसे प्रतिष्ठित शॉपिंग स्थलों में से एक। मॉल विश्व स्तरीय खुदरा मनोरंजन और बढ़िया भोजन का अनुभव प्रदान करता है। गुजरात का सबसे बड़ा फूड पार्क फ्लेवर्स फूड कोर्ट भी मॉल में स्थित है, जहाँ आप कुछ सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद भी ले सकते हैं। गुजरात के कुछ लजीज नाश्ते जैसे सेव, गाठिया, चिबड़ा, जलेबी, फाफड़ा, खाखरा, और ये खाने में बहुत ही कुरकुरे होते हैं। गुजरात का स्वादिष्ट भोजन के साथ ये वीडियो हम यहीं पे करते हैं खत्म। फिर मिलते हैं दोस्तों आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।